मैं नेपाल से आया हूँ। ये साल मैं K2 विंटर एक्सप्रेशन के लिए पाकिस्तान में आया था। बहुत बड़ा ग्रुप लेके मुतालिक मुलुक से 15 मुलुक कुछ होगा मेरा मेरा टीम में। हम लोग टोटल 48 मेंबर था। हमारे सारों एक्सप्रेशन अच्छा हो गया था, लेकिन हमारे आली सप्रा इज द वन ऑफ द फेमस एंड वन ऑफ द हीरो, नेशनल हीरो फ्रॉम पाकिस्तान, इज द बेस्ट क्लाइंबर फ्रॉम पाकिस्तान, इज द माई बेस्ट फ्रेंड ऑल्सो बिकॉज वी आर क्लाइंब मैनी माउंटेन्स टुगेदर। हम साथ साथ में क्लाइंबिंग भी करा था 2009 से अभी तक। वो नेपाल में भी आया था, वो माउंट माकालू मनासुलू लोचे हमारे साथ, उसने नेपाल में भी 8,000 मीटर का कुछ समिट करा था। वो सबसे बेस्ट क्लाइंबर, मेरा सबसे अच्छा दोस्त वो था पाकिस्तान से, उसीलिए मैं भी इधर आ रहा हूँ। उसने दावा भाई आ जाओ पाकिस्तान में भी ये है वो है ये माउंटेन है करके, मैं उससे हिसाब से मैं अभी तक इधर हूँ उसका साथ। अनफॉर्चुनेटली इज द इंसिडेंट इज मिसिंग इन द K2, सो आई एम वेरी सॉरी, ये हमारे लिए बहुत दुख है। And also we lost two other friends from Iceland, John Snorri, and one is from Chile in Juan Pablo. I'm really miss for them, and I hope we will have some good news soon. And because the Pakistani army's helicopter, so rescue mission is still continue, so we have maybe good news soon. एंड लगता है कि आली सप्र बहुत एक्सपीरियंस भी है, वो कुछ क्या होगा मेरे ख्याल में वो वापस भी आ सकता है। अभी तक तो हमारे कोई वो नहीं है ना, कंफर्म नहीं है। वो तो प्रोफेशनल में तो अब बहुत अच्छा था, वो टेक्निकल भी था, उसका थोड़ा स्मार्ट भी था। ये विन में ये क्लाइंबिंग कर सकेगा, ये विन में ये क्लाइंबिंग नहीं कर सकेगा, सब कुछ हमारे पास शेयर होता था एक आपस में, फिर वो खुद सही डिसीजन लेता था। ये साल भी K2 में भी हम हर दिन वेदर देखता था, ब्रदर ये वेदर थोड़ा अच्छा नहीं है, हवा थोड़ा ज़्यादा है, मैं थोड़ा डर लगता हूँ, मैं नहीं जाएंगा भी बोलता था पहला। फिर बाद में जो वो मिसिंग हो गया, वो दिन मैंने 2:30 बजे जो वो स्टार होते टाइम में मैंने कांटेक्ट करा था, आली दाई अभी तो लेट हो गया, आप नहीं जा सकेंगे मेरे तरफ से तो ऊपर। फिर उसने क्या दाई एक बार ट्राई करेंगे वेदर कैसे है बोला। मैंने क्या वेदर कल 9-10 बजे तक ठीक है, उसके बाद अच्छा नहीं है। 9-10 बजे तक समय नहीं पहुँचा था, आप लोग वापस आना मैंने बताया था। फिर उसने क्या ठीक है मैं ट्राई करेंगे बोला। उसके बाद हमारे पास लास्ट आखिरी बात है ये मेरे पास। फिर बाद में अराउंड 10 बजे जॉन स्नोरी का वो ट्रैक, वो इंडिस ट्रैक होता है ना, वो देखा 7,900 मीटर में। उसके बाद फिर कुछ खबर नहीं होगा। फिर शाम का एक खबर आ गया, साजद वापस आया बदल नेक्स्ट का नीचे से, वो 3 कंटिन्यू समिट जा रहा है। फिर हमने सोचा वो वापस आएंगे समिट करके। फिर हर घंटा में साजद के पास हमने कांटेक्ट करके, साजद भाई आया ऊपर से लोग आया नहीं आया सुबह तक नहीं आया। फिर सुबह मैंने क्या भाई आप 9 बजे तक उधर रुक जाओ, उसके बाद मौसम अच्छा नहीं वापस आ जाओ। वो साजद ने क्या मैं थोड़ा ऊपर तक जाएंगा, ऊपर नहीं जा सकेंगे क्योंकि मौसम ख़राब है, ये भी फिर ऊपर जाए तो फिर वो भी मिसिंग हो जाएंगे क्या कि। फिर मैंने सोचा मैंने डिसीजन कर लिया उसके नीचे बुलाऊँ। फिर हमने थोड़ा वो शेरपा कुछ हमारे स्टाफ नीचे से फिर पानी शानी ले कर उसके लेने के लिए बेचा, वो ये बीसी में मिल के नीचे साथ में आया। आली मेरे साथ नंगा पर्वत में भी था 2018 में, K2 में भी था। उसने K2 समेट हमारे साथ किया, मेरे ग्रुप में किया, मेरे ग्रुप का गाइड कर लिया उसने। उसके बाद हमने
जी वन भी साथ में क्या, और नेपाल में लोचे मकालू मनसोलो में हमारे साथ में क्या आले ने वो आप लोग जो 8000 वो तो वही कह रहा था क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक कोई 14 पीक वाला बंदा नहीं है, दाई मेरा का ले थोड़ा हेल्प करो, मैं करना चाहता हूँ। मैंने क्या अली आप नेपाल में जितना पीक है आप आ जाओ, आप सिर्फ प्लेन टिकट करके आ जाओ, बाकी कुछ भी नहीं, लेकिन आ जाओ, मैं सब कुछ करेंगा मेरे कंपनी से, मेरे तरफ से नहीं है लेकिन मेरे कंपनी की तरफ से आपको सब माउंटेन में सर कर देंगे नेपाल में जितना होगा। मार्च में भी उसने नेपाल में आने प्लान था, मैंने फिर जो के टू बेस के में मैंने उसका भी बताया था, साजद का भी लेके आओ, साजद का भी मैं हेल्प करूँगा उस, आप दोनों फोटिन भी कर लो मैंने बताया था। यानी उसने क्या ठीक है, पाकिस्तान में तो हमारा गवर्नमेंट भी करता है, नेपाल में कर दो हम दोनों के लिए, बताया उसने, रिक्वेस्ट किया मेरा का। फिर मैंने किया ठीक है आ जाओ, आप दोनों आ जाओ, प्लेन टिकट सिर्फ प्लेन टिकट करके आ जाओ, नेपाल में जितना पीक है रॉयल्टी शोल्टी वगैरह कुछ मैं मेरा कंपनी की तरफ से करेंगे बोला था। बॉटल नेक 8211 मीटर, और हमने आप जैसे बड़े कोपामाऊ से सुना है कि उसको क्रॉस करने के बाद आगे कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है एज ए क्लाइंबर, आप बदल नेक्स्ट क्रॉस करके उसके बाद तो ऊपर इतना वो खतरा नहीं है, लेकिन हवा ज़्यादा है तो खतरा भी है, हवा तो उड़ा सकता है जिस जगह पे भी, लेकिन वो आइस गिरना बर्फ़ गिरना वो क्रॉस तो बदल नेक क्रॉस करके ऊपर नहीं है, लेकिन सबसे डेंजर है बदल नेक में। वो समिट हो गया मेरे ख्याल में, वापस आने टाइम में बदल नेक में और आता कैंपों में कुछ बिल्कुल प्रॉब्लम हो गया उनका वापसी पे। अच्छा, टेक्निकल और अपनी पेचीदगी की वजह से माउंट एवरेस्ट डिफिकल्ट है या केटू है विंटर में? ये अभी तक तो मैं तो कह रहा हूँ केटू, क्योंकि अभी तक किसी ने समिट नहीं किया अभी तक, ये साल तक विंटर बहुत, मैं भी 43 एक्सप्रेशन ने ट्राई किया लेकिन नहीं हो गया, लेकिन ये साल नेपाली शेरपा लोग सब, वो भी सिर्फ नेपाली शेरपा नहीं है, सब टूरिज्म हम लोग सब साथ में, हमारे सबका हौसला से, हमारे सबका सपोर्ट से हो गया, टीम वर्क से हो गया ना, यूनिटी से हो गया। वो भी क्राइंबर्स को मोहम्मद अली सतपारा का तारुफ आप किस तरह करवाएंगे पाकिस्तान को, इंटरनेशनल दुनिया को, पूरी दुनिया को आप मोहम्मद अली का तारुफ कैसे करवाएंगे? मैं तो उसको तो बहुत अच्छा क्लाइंबर बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत क्लाइंब किया उसने, फ्रांस में भी क्लाइंबिंग किया किसी टेक्निकल पीक का, बहुत उसने ट्रेनिंग भी लिया बाहर फ्रांस में गया के, बहुत अच्छा बंदा था वो, पूरा पाकिस्तान में ये टूरिज़्म को बहुत प्रमोट करता था उसने, दावा भाई आज कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा, मैं कहता हूँ नंगा पर मैं बताऊँ मैं नहीं आएंगे यार डर लगता है, मैं ग्रुप नहीं बना, फिर उसने क्या ग्रुप बनाओ हम मैनेजर करेंगे उधर, मैं लीड करेंगे बोलता था, ये साल भी बताता है उसने, दाई नंगा पर मैं ग्रुप बना जाओ उधर मैं जाऊँगा अब इधर जाऊँ उसने बताया था। आपने केटू को सर किया यानी आपके मुल्क ने किया और बड़ी बहुत बड़ा एजाज है, इससे टूरिज्म को गिलगित बल्तिस्तान में केटू की तरफ बल्तिस्तान की तरफ टूरिज्म कितना इससे बढ़ जाएगा? ये जो नेपाली ने समेत क्या, ये सिर्फ नेपाली के लिए नहीं है, ये पूरा माउंटेनियरिंग का ड्रीम से जो 43 एक्सप्रेशंस ऑलरेडी ट्राई, सो all the mountaineering dream is coming true this time. This is not for only Nepal, this is for all who love mountain, who want climbing, and sab ke liye hai ye. Mere liye bhi, main summit nahi hoga bhi, mere liye summit gara jaise laga na. Ye sab all mountaineering community ke liye hai. Ye. Kitna friendly hai, bahar ke जो न्यूज़ में आता है बाहर बैठने टाइम में, हम बाहर नेपाल में फ्रांस में यूरोप में होने टाइम में न्यूज़ में क्या आता है पाकिस्तान डेंजर वो होता है लेकिन वो नहीं है। हम टूरिस्ट का कमेंट्स करता हूँ कि पाकिस्तान डेंजर नहीं है, मैं हर साल जाता हूँ, पूरा शेप है बलतोरा तो पूरा शेप है, मेरा तो सेकेंड गौर जैसे है यह। हाँ, इज माई फ्रेंड, आई मेट
Ali last year on Manaslu, and I think he's a wonderful person and a very good climber. And I'm very sad that he's lost and we cannot find him anymore. He was the best climber of Pakistan. Ali, I met Ali 2 or 3 years ago. I was on Manaslu last year as well, and Ali was climbing Lhotse last year and I was in Everest, and we shared the same base camp, and just a real character. I had a birthday this year on the mountain, and what I remember Ali is dancing and singing at my birthday party, and that's how I remember him. It's just a happy, everybody loved him, and he was just a character, and it's really, really sad that he's not here to enjoy the celebrations with everybody else and back, but that's the joys of climbing, unfortunately. Okay, I'm Tamara Lunga from Italy, Northern Italy, and I climbed K2 in 2014 in summer. So this year was a big dream to come for winter. I came here with the Romanian climber Alex Gavan, but then he left the base camp and I joined with Juan Pablo from Chile, who is missing now as well. So the winter for me this year was like a nightmare. I came here with very positive expectations and I was super happy, but at the end everything turned out into a nightmare. We had a lot of dead people, and it's just sad. So with Ali I have a good friendship because I was with him in 2016 when he did his first winter ascent in Nanga Parbat. I was part of the team. I needed to turn around 70 meters below the summit because I was sure I can't make it down safely. And so with him I have a really good friendship. His son I met this year, but I think he was not a person who risked a lot in a mountain. He had so much experience from all these winter climbs the last year. And so for me, it's really sad to miss all these climbers now. And I hope that we can find out somehow what happened up there. Okay, I'm Thomas from Slovenia. My job on this expedition was to climb and also to take care of other climbers. I'm a doctor. This winter we had a lot of work to do. There were fallen rocks, there were a lot of frostbites, and I think we did a good job. So this is my third expedition in Pakistan. The first one in summer 2018, when I summited K2 in summer together with Noel Hanna from Ireland. I knew John Snorri very well because we spent together like 2 months last year in the winter. That was our first attempt to summit winter K2. Unfortunately, last year we came back without success. This was our second winter, so our second attempt. John came to Pakistan like a month before us. So the last night that we met was the night between 4th and the 5th of February. We separated approximately at the altitude of 8,000 meters when I realized that I cannot cross the big crevasse. John Snorri stayed at that crevasse. Later on, Ali and Juan Pablo joined them. And from that moment on, probably nobody knows exactly what was happening and what was the consequence that they are lost, and actually we don't know what's happening right now. We should not lost our hopes. I still hope
that they will find a way down. Otherwise, good luck to them, and I hope that that kind of things will never happen again.